लोकल टू ग्लोबल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल डोंगरे एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ एक और नए एपिसोड में। आज के हमारे गेस्ट है सूरजमणि चौरसिया। सूरज की जर्नी एक गांव से लेके जर्मनी जाने की और वहाँ सेटल होने की बहुत ही इंस्पायरिंग है उन लोगों के लिए जो आउट ऑफ इंडिया नया जॉब या एजुकेशन करना चाह रहे हैं। सूरज ने काफ़ी सारे इनपुट्स हमें दिए हैं, सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें एंड बी ब्रेव टू बिलीव इन यू एट लास्ट सब्सक्राइब। हेलो बिलीवर्स, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में जिसका इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन से बहुत ज्यादा संबंध है। आज हमारे गेस्ट है सूरजमणि चौरसिया जो कि बिहार के एक छोटे टाउन बेतिया से बिलोंग करते हैं और उनकी जर्नी बेतिया से जर्मनी तक की आप सभी को इंस्पायर करेगी। सो मैं समय व्यर्थ ना करते हुए डायरेक्टली सूरज से कहूंगा कि सूरज प्लीज आपके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएं। थैंक यू राहुल, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो ये इनिशिएटिव चालू किया है इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। कई सारे वीडियोस को मैंने भी सुना एंड इट इज़ रियली इंस्पायरिंग। सो आई थिंक फॉर दिस सेशन माय इंट्रोडक्शन शुड स्टार्ट बाय सेइंग कि वी वर द बैचमेट, हमने मास्टर साथ ही किया है एंड देन फ्यू ऑफ द जर्नी हम लोग साथ में थे एंड वी नो द स्ट्रगल how it feels like. So just to give a background, मैं बेतिया exactly बेतिया से नहीं हूँ, वहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है वहाँ से हूँ। तो अब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं वही सोचता हूँ जो गांव मेरा सेमरीमन है वहाँ से बर्लिन तक का जो दूरी मैंने तय किया है। सबसे पहले मैं बीटेक करने के लिए चेन्नई गया, फिर मास्टर्स करने के लिए पुणे गया, पुणे में जॉब किया और फिर मैं जर्मनी गया। तो जस्ट गिव यू अ बैकग्राउंड कि गांव में मैं जब था तो मेरा फैमिली लाइफ कैसा था और मेरा परिवार कैसा है। मेरे पापा एक किसान है और हमें पढ़ाने के लिए मेरी मम्मी बेतिया टाउन में 30 किलोमीटर दूर लेके रहती थी, हम चार भाई और मम्मी। बेसिकली मेरे मम्मी पापा उस समय साथ नहीं रह पाते थे और मैं बिहार बोर्ड से पढ़ा हूँ, प्योर हिंदी मीडियम, और इंग्लिश काफ़ी लेट सीखना हुआ जब वो कंपलसरी हो गया। तो आज के डेट में मैं जर्मनी में बेयर में काम करता हूँ। मेरा दूसरा वाला भाई चाय बागान में असिस्टेंट मैनेजर है, वो बीएससी एग्री किया। तीसरा वाला भाई एक स्टार्टअप में है टॉक मोटरसाइकिल, जहाँ पे वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काफ़ी एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। और लास्ट वाला भाई एमबीबीएस करके आने वाला है। So that's a sort how our life looks like. Great, great, great. काफी बढ़िया introduction रहा। सूरज, मैं जानना चाहूँगा कि मतलब आपकी journey में Germany कैसे add हुआ? बेसिकली जैसा मैंने बताया कि मैं गांव जहां पे मैं पैदा लिया वहां पे भी रहने की अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिल पाई क्योंकि स्कूल नहीं थे और मैं बेतिया में रहता था। तो मुझे लगता है खानाबदोश जिंदगी बचपन से ही चालू हो चुकी थी। एंड इफ आई काउंट ऑन डिफरेंट स्टेशंस आई हैड बीन टू 16 डिफरेंट लोकेशंस टिल टुडे। तो जब आप जगह को चेंज कर रहे होते हैं, आपके नए पर्सपेक्टिव बिल्ड हो रहे होते हैं, आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, बहुत कुछ सीख रहे होते हैं और आपके पास इनफाइनाइट ड्रीम्स होते हैं। तो मेरे पास बहुत ही ब्लर ड्रीम था और वो ये था कि मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया को समझ सकूँ, किसी के सामने खड़ा होकर बात कर सकूँ। मुझे बिल्कुल ये पता नहीं था कि जर्मनी यूरोप क्या है, ये भी मुझे बहुत क्लियरली नहीं पता था। और तब जब मैं चेन्नई पढ़ना चालू किया, मुझे फर्स्ट ईयर में प्रोफेसर ने पूछा था करना क्या चाहते हो, तो मेरे मुंह से निकला था कि मैं अपना खुद का इंजन डिजाइन करना चाहता हूँ और ये मुझे लगता है जर्मनी जाके ही हो पाएगा। पूरा क्लास मुझ पे हंसा था, मुझे अभी भी याद है। मैंने बोल तो दिया था लेकिन फिर मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था मैं जर्मनी क्यों बोला। बीटेक किया, उसके बाद मास्टर्स किया। मास्टर्स जॉब करने के दरमियान मुझे कुछ प्रोफेसर से के साथ काम करने का मौका मिला जो टी यू ब्राउनस्वाइग जर्मनी के एक यूनिवर्सिटी से थे,
उनका काम करने का तरीका मुझे काफी इम्प्रेस किया, जिस तरीके से वो सिस्टमेटिक वे में किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं, वो हर चीज को एक साथ नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग था। एंड देन मैं बोलूंगा कि मुझे पता नहीं था कि ये कितना हार्ड हो सकता है, इसीलिए शायद मैंने ये डिसीजन लिया जर्मनी जाने का। अगर मुझे पता होता तो डेफिनेटली मैं नहीं गया होता। और मैंने डिसाइड किया कि मैं जर्मनी जाके वहाँ पे एक और मास्टर्स करूंगा और जर्मन में करूंगा, सिर्फ इसलिए कि मैं हिंदी मीडियम से होने के बाद भी इंग्लिश मीडियम में सक्सेसफुली पढ़ पाया था, तो मुझे लगा था अब जर्मन भी कर लूंगा। आई वेंट देयर, आई स्टार्टेड जर्मन लैंग्वेज, एंड देन बहुत सारे फैक्टर्स थे जो मुझे पता नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, जब विंटर में वहाँ सनलाइट नहीं होता है तो आप डिप्रेशन कैसा फील करते हैं, अचानक से जो एक सोसाइटी आपका बिल्कुल चेंज हुआ है, पूरा नया वर्क कल्चर है, तो वो शॉक मैं समहाउ, मुझे मैं प्रिटेंड कर रहा था कि इट इज़ नॉट अफेक्टिंग मी, बट इट वॉज किलिंग मी इनसाइड। और मेरा जर्मन लैंग्वेज भी बहुत अच्छा से नहीं हो पाया, तो ऑलमोस्ट आई लॉस्ट माई 1 ईयर। बट वो 1 साल जो मैं खोया, उसमें मुझे एक चीज समझ में आया और जो सीखा वो ये था कि कैसे मैं ना डरूं। उसके बाद डर मेरी खत्म हो गई। और बहुत सारे ऑड टाइप जॉब भी करने पड़े, सुपरमार्केट में काम करना, प्लस फॉक्स वैगन में जो रियल मजदूर वाला काम होते हैं, क्योंकि आपको समहाउ अपने लाइफ को यूनिट फाइनेंस टू करेक्ट करेक्ट मेक योर फुलफिलमेंट। तो वो जब जर्नी था, तो मैंने खुद में एक चीज नोटिस किया कि जब भी मैं फॉक्स वैगन में क्वालिटी इंस्पेक्शन का काम करता था, तो मैं देखता था अगर लाइन का सेटअप आज इस तरीके से है तो एक प्रोडक्ट कितने देर के बाद निकल रहा है, और अगर सेटअप चेंज हुआ है तो उसमें कितने देर के बाद निकल रहा है। तो बराबर। मुझे ये क्लियरली समझ में आ गया कि प्रोसेस मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है, और वहां से मैं खुद को डिस्कवर करना चालू किया। तो दैट वॉज द सेकेंड स्टेज, जर्मनी ने मुझे हेल्प किया खुद को डिस्कवर करने में। तो मुझे लगता है वो 1 साल विदाउट यूनिवर्सिटी वॉज द मोस्ट बेनिफिशियल लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। करेक्ट। एंड देन आई गॉट इन टू TU बर्लिन, वहाँ से मेरी लाइफ ऑलमोस्ट स्ट्रीमलाइन थी। वहाँ से पास होने के पहले मेरे पास अच्छा इंटर्नशिप था, थीसिस था, और थीसिस खत्म होने के पहले मेरे पास जॉब था बेयर में। यस 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 ग्रेट ग्रेट ग्रेट, काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है सूरज। एंड जर्मनी एंड इंडियन कल्चर में आपको फिर किस तरीके का डिफरेंशिएशन लगा वहाँ पे? राहुल, ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है और लोग जानना चाहते हैं कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है। मैं इस तरीके से देखता हूँ कि दोनों कंट्री का अपना कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट है। आई मीन, वी कैन कीप ऑन टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग एंड नथिंग। तो जो पॉजिटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट है जिससे मैंने सीखा, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट था, जर्मन्स नो टू से नो। वो एज एन इंडियन मेरे में नहीं था, बराबर। मैं हर चीज को कमिट करता था एंड देन आई वाज नॉट एबल टू फुलफिल। एटलीस्ट नाउ आई हैव अ वेरी क्लियर माइंडसेट कि इफ आई से यस, आई हैव थिंकिंग बिहाइंड इट, और एल्स आई विल से नो एंड आई विल फॉरगिव माई सेल्फ। करेक्ट तो करेक्ट। पहला ये था, बीइंग वेरी स्ट्रेट विथ योर कम्युनिकेशन। दूसरा था कि बीइंग क्लियर फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, अगर मुझे कोई टास्क है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, आई शुड बी वेरी क्लियर कि क्या अचीव करना चाहता हूँ मैं, और उसके लिए मेरा जर्नी क्या है, और उस जर्नी को मैं टाइम लाइन पे रखूँ ताकि मैं इंश्योर कर सकूँ कि आई एम प्रोग्रेसिंग इन अ राइट डायरेक्शन, लास्ट डे मैं रसअप ना करूँ। करेक्ट। तो ये सारे कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट थे, टाइम को रिस्पेक्ट करना, किसी के कमिटमेंट को रिस्पेक्ट करना, ये सारे कुछ अच्छे चीजों को मैंने सीखा। और मैं बोलूँगा अभी इट इज जस्ट स्टार्ट, आई हैव टू लर्न अ लॉट सिंस आई एम डूइंग असाइनमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, प्रोबेबली माई आंसर वुड बी चेंजिंग अगेन एंड अगेन विद द नहीं, टाइम। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एट द सेम टाइम सूरज, जब आप इस लाइक इंडिया से जर्मनी की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे थे, तो उसमें जो मेन हर्डल्स आपको जो फेस करने पड़े वो क्या थे? राहुल, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इंटरेस्टिंग आंसर ये है कि मेरे मेन हर्डल्स जर्मन एम्बेसी नहीं था। मेरा मेन हर्डल था अपने घर वालों को कन्विंस करना कि दिस इज व्हाट आई एम रियली सीरियस अबाउट, क्योंकि मेरी शादी हुई थी, मेरे पापा को लगता था कि प्रोबेबली आई एम टेकिंग अ सुसाइडल अटेम्प्ट, व्हाई आई एम गोइंग टू जर्मनी। मेरी वाइफ वाज वेरी सपोर्टिव, थैंक्स टू हर। अपार्ट फ्रॉम दैट,
दोज पीपल अराउंड जो हमारे सोसाइटी के लोग होते हैं, पता नहीं अलग तरीके का प्रेशर जनरेट करते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम लूजर हो और तुम पता नहीं ये क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो ये करना चाहिए। तो वो एक ऐसा टर्न था जहाँ पे मुझे काफी स्ट्रगल करना पड़ा और थैंक गॉड कि मैं उसको ओवरकम कर पाया, नहीं तो हो सकता था मेरा ये ड्रीम हमेशा के लिए लॉस्ट हो गया रहता वहाँ पे। ग्रेट एंड ग्रेट। सेकंड साइड आई विल से फाइनेंशियल एस्पेक्ट वाज आल्सो वेरी क्रूशियल, हाँ, क्योंकि वो तो मैं एक पूरा सबसे बड़ा बीटेक पॉइंट लोन रहता पे, है। बीटेक पूरा लोन पे मैंने किया था। और मुझे याद है बीटेक के लोन के लिए जब मैं गया था, आई मीन बिहार में, जैसा कि कहानी और एक मैं बोलूँगा एक टेम्पलेट लोग लगा देते हैं, मुझे मेरे मैनेजर ने ये कह के वापस कर दिया था कि मुझे पता है कि तू दहेज लेने के लिए कर रहा है बीटेक। तो बेसिकली फिर मैं उसी स्टेज में खड़ा था और मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था मैं जाऊं या ना जाऊं। एंड देन समहाउ एवरी टाइम आई हैव एक्सपीरियंस इवन विथ यू आल्सो, व्हेन यू हैव अ क्लियर गोल एंड यू स्टार्ट हेल्पिंग योरसेल्फ, समवन विल कम एंड विल हेल्प यू। डेफिनेटली तो आई गॉट फ्रेंड्स हु सपोर्टेड मी एंड समहाउ आई वाज एबल टू गो टू जर्मनी एंड मैनेज माय जर्नी ओवर देयर। डेफिनेटली अमेजिंग अमेजिंग। सूरज आपके मतलब नॉट ओनली फ्रॉम बिहार, बाकी इंडिया में भी काफी लोग हैं जो जर्मनी को प्लान करते हैं एज देयर करियर पाथ इन टर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन, नॉट ओनली जर्मनी आउटसाइड इंडिया, एंड कंफ्यूज होते हैं कि कैसे करना है। तो एनी सजेशन फॉर देम? यस राहुल, बेसिकली मेरी स्टोरी मुझे लगता है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट बिहार और ओनली अबाउट मी, रदर इट्स ए स्टोरी ऑफ एनीवन फ्रॉम रूरल इंडिया। आई करेक्ट। मीन मोर और लेस यू हैव द सेम सेटअप एंड यू हैव द सेम काइंड ऑफ स्ट्रगल। मैं एक चीज को देखता हूँ कि जहाँ पे हम शायद कई बार रॉन्ग हो जाते हैं, इंडिया को देखते हुए एक डिसीजन लेना कि जर्मनी में जाके मैं ये करूंगा बहुत डिफरेंट चीज है, क्योंकि यू कैन नॉट एक्सपीरियंस दो डिफरेंट फैक्टर्स। जैसे करेक्ट। मैंने बोला कि विंटर किस तरीके से मेरे लिए इतना टफ था, या जो टोटल कल्चरल चेंज और शॉक था वो कितना डिफिकल्ट था मेरे लिए। मैं सबसे पहले बोलूंगा कि अगर आप अपना करियर किसी भी फॉरेन में जाके बिल्ड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप सबसे पहले क्लियर हो जाए कि आप करना क्यों चाहते हैं। अगर इस चीज का आंसर आपको मिल जाता है तो आपको ये भी आंसर ढूंढने में बहुत इजी होगा कि क्यों करना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। व्हाई एंड तो व्हाट? आपको तब आपको पता रहेगा कि मैं, लेट्स से अगर मुझे सप्लाई चेन में जाना था, मुझे पता था कि एक ऐसा कोर्स जो मुझे सिखाए टीम वर्क या प्रोसेस इंप्रूवमेंट कैसे किया जाता है, वो उस डायरेक्शन में होगा, उस तरीके के जॉब को दिलाने में। करेक्ट। मैं सेंसर टेक्नोलॉजी पढ़ के इस तरीके के जॉब को नहीं ले नहीं सकता कर था। सकते। तो जैसे आप क्लियर हो जाते हैं, आप बस उसमें कैटेगरी ए एंड बी एंड सी रखिए, बराबर। क्योंकि इवन योर फॉल बैक प्लान विल गो इन द सेम डायरेक्शन। एंड ये काफी हाई लेवल का होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं लेट्स से ईवी का सस्पेंशन में काम करना चाहता हूँ। आई मीन योर पर्पस शुड बी आई वांटेड टू बी इन ईवी, राइट? एंड देन यू हैव थ्री ऑप्शंस। ईवी में मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, एंड देन यू ट्राई टू अचीव योर प्लान ए। इफ नॉट देन एटलीस्ट यू विल गेट योर प्लान बी, एंड इफ दैट ऑल्सो डजेंट वर्क यू हैव प्लान सी। बराबर। एंड आई विल से अगर ये तीनों फेल होता है, देन फॉर मी पर्सनली इट्स वर्थ जस्ट स्क्रैपिंग योर ड्रीम, इट इज नॉट वर्किंग। आई मीन यू शुड हैव अ टाइम कैप, मे बी 2 ईयर आई विल बी डूइंग दिस, 2 साल में नहीं होता है तो इट्स बेटर टू नॉट स्पेंड एनी मोर टाइम एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स व्हिच वी कैन डू इन द कंट्री। डेफिनेटली डेफिनेटली। बहुत सही बात कही सूरज, क्योंकि हमारे जो भी ड्रीम्स होते हैं इट शुड हैव अ पर्टिकुलर डेट एंड टाइम फिक्स, सो दैट वी कैन नॉट Exactly, वेस्ट द yes. टाइम मोर इन टू दैट, एंड वी हैव टू गिव I हंड्रेड say, परसेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। या मैं इसको टाइम फाइटिंग बोलता हूँ, एंड आई थिंक टाइम फाइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एल्स टाइम विल फाइट विथ यू, यस डेफिनेटली। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। यस यस यस, टाइम ने फाइट किया तो फिर हम लोग नहीं बच पाएंगे। यस एंड सूरज, जिसमें कोविड की इस टाइम पे अब जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं या फिर फाइनल ईयर में हैं, तो उनके लिए कोई पॉइंट की कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट ओपन नहीं दिख रहा है एटलीस्ट फॉर द जॉब एंड फॉर द एजुकेशन आल्सो। सो आपका क्या पॉइंट है इस पर?
राहुल, एक बहुत अच्छा स्टोरी मेरे प्रोफेसर ने शेयर किया था जब मैं TU बर्लिन में पढ़ रहा था। और स्टोरी ऐसा था कि अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं और आपका गाड़ी खराब हो जाता है, तो आप दो तरह से हेल्प मांग सकते हैं। एक तो ये कि आप खड़ा होकर रोड पे लिफ्ट मांग रहे हैं या बोल रहे हैं हेल्प हेल्प, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग नहीं रुकेंगे क्योंकि उनको डाउट होगा, पता नहीं क्यों रोक रहा है। बट आपने कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा, आप अगर उसी गाड़ी को धक्का देने लगते हैं अकेले, तो 10 लोग रोक कर पूछते हैं कि डू यू नीड एनी हेल्प। तो सेकेंड सीनेरियो में व्हेन यू हेल्प योरसेल्फ, पीपल विल हेल्प यू, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर फेसिंग सच एक्सट्रीम कंडीशन लाइक कोविड। एंड इवन आई विल से इट इज एप्लीकेबल एवरी टाइम। इमेजिन मेरे लिंक्डइन पे कुछ ऐसे रिक्वेस्ट आते हैं जिसमें पूछे जाते हैं कि इफ यू हैव अ जॉब लेट अस नो। आई मीन टू बी वेरी फ्रैंक, आई कैन नॉट डिफाइन, आई मीन आई कैन नॉट टेल डायरेक्टली और लेट्स से ट्राई टू हर्ट देम, बट द फैक्ट इज आई कैन नॉट सिट एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब फॉर समवन, आई हैव माय ओन लाइफ, राइट? अगर कोई मुझे वही भेजता है कि दिस इज अ लिंक ऑफ पर्टिकुलर जॉब, कैन यू रिकमेंड और कैन यू लेट्स से हेल्प मी टू अप्लाई, देन आई गिव सम टाइम टू देम, सो दिस गाय इज हेल्पिंग हिमसेल्फ सो दैट आई कैन हेल्प हिम। तो इस सिचुएशन में मैं बोलूंगा कि सबसे पहले तो डोंट स्टॉप, आप रुकोगे तो वो पानी की तरह हो जाएगा जहां से मलेरिया पैदा लेगा। कीप ऑन फ्लोइंग, जो मिलता है उस पे बोर्ड हो, ऑन बोर्ड हो जाओ, एंड लर्निंग का कोई लिमिट नहीं है। एक छोटा सा किराना दुकान में भी अगर तुम जाते हो ना, फाइनेंस मैनेजमेंट सीखते हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, तो यू स्टार्ट लर्निंग फ्यू ऑफ दोज डिफरेंट स्किल्स। कोई भी जॉब छोटा नहीं होता है, एंड देन प्रोबेबली ग्रेजुअली यू ट्राई टू टारगेट कि मुझे यहाँ जाना है तो और मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, एंड पाथ विल टेक यू ओवर देयर। एंड आई बिलीव द वे माई जर्नी हैड बीन, मैं 2011 में बीटेक किया और मैं बोलूंगा 2021 में मुझे क्लियरली जो मैं चाहता था वो ड्रीम जॉब मैं कर रहा हूँ। इसका मतलब है 10 साल मैंने लिया, एक तरह से मैं बहुत ही स्लो था, बट दूसरे साइड से ये भी हो सकता है कि मैंने एटलीस्ट अभी तो डिस्कवर कर लिया। लोगों की तो जिंदगी चली जाती है। बिल्कुल सही बात, सही बात। यस यस राहुल, यस, काफी लाइक अप्स एंड डाउन्स वाली स्टोरी है, एंड एट द सेम टाइम जर्नी भी है। ये जर्नी डेफिनेटली स्टूडेंट्स एंड जो जॉब सीकर्स है उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। एटलीस्ट लाइक वी हैव टू कीप ऑन ट्राइंग एंड कीप ऑन डूइंग ट्राइंग समथिंग न्यू, एटलीस्ट ये करते रहना चाहिए। एंड लास्ट सूरज, कुछ आपके वर्ड्स फॉर द आवर व्यूअर्स, कुछ स्पेशल हो जाए। बस एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो मैं बहुत खराब था उस चीज को करने में, कहने में, लेकिन आज मैं खुद को इम्प्रूव किया हूँ कुछ हद तक, वो ये था कि व्हेन यू डोंट आस्क अ क्वेश्चन और अ डाउट, यू बिकम फूल फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ, बट इफ यू आस्क इट यू बिकम फूल फॉर लेट्स से अ मिनट। तो कभी भी कोई डाउट हो या कुछ क्वेश्चंस हो, बी शेमलेस। आई मीन शर्म किस चीज की, मुझे समझ में नहीं आता है। ऑब्वियसली हमारा लाइफ किंग साइज नहीं है, तो लेट अस नॉट बिहेव लाइक अ किंग। बी अ कंटिन्यूस लर्नर, be very much open to any opportunity or any kind of, let's say, collaboration which can teach you something. And I also like that always try to be, let's say, into the group of the people जिसके जैसा आप बनना चाहते हो, क्योंकि किसी ने कहा है कि you are average of 5 people around you, which I somehow I believe. So I will say those are my final words. And if you are struggling, if you are trying, इतना श्योर है कि यू विल नेवर बी फेल, यू विल नेवर बी अ फेलियर, यू माइट बी लेट बट यू विल नेवर बी फेलियर, दैट इज फॉर श्योर। करेक्ट, ग्रेट, ग्रेट। काफी बढ़िया मैसेज है हमारे ऑडियंस के लिए। एंड अगर हमारे व्यूअर्स में से किसी को किस तरह की कोई तकलीफ है तो दे कैन कनेक्ट विद सूरज ऑन लिंक्डइन, इवन मे बी ही इज देयर इन इंस्टाग्राम आल्सो। सॉरी, इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, लेकिन मैं लिंक्डइन पे एक्टिव हूँ। और आई मीन समहाउ मैं सोसाइटी को कैसे हेल्प करना चाहता हूँ और जो मैं करते रहता हूँ, मैं इनेबल पार्ट पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ रेदर देन एजुकेटिंग समवन। और मुझे कभी भी मौका मिले, अगर लगता है कि किसी को मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूँ या उसके लेट्स से डाउट को दूर कर सकूँ और वो
मे बी ही विल बी फास्टर देन बिफोर, तो वो जरूर मैं करता हूँ, क्योंकि दोज वर द थिंग्स विच आई वॉज लुकिंग इन माई लाइफ. मेनी टाइम्स आई गॉट इट, मेनी टाइम्स आई वॉज नॉट एबल टू गेट सच काइंड ऑफ गाइडेंस. तो लिंक्डइन पे अगर कोई मुझे कनेक्ट करता है एंड इफ दे हैव एनी जेन्युइन क्वेश्चन आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू देम. एंड मे बी आई कीप ऑन पोस्टिंग सम ऑफ द पोस्ट विच आई थिंक could be in the same direction of enabling part. Even I aspire to be a storyteller, so kabhi kabhi chote stories ko bhi main dalta hu, so that people can really get some inspiration, some learnings out of it. Yes, definitely, definitely. So finally, thank you so much, Suraj. Kafi achhi aur inspirational journey aapne hamare sath, hamare viewers ke sath share ki, and hope isse logo ko motivation sath mein kuch knowledge milega. And thank you for coming on Believepreneur. Thank you, Rahul. Thank you very much for giving me this stage, and all pleasure was mine. Yes, yes. Thank you, Suraj. Thank you, Rahul.